नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बुद्ध जी की कई कहानियां हैं जो आत्मा की शांति को प्राप्त करने का संदेश देती है। यह एक कहानी है जो बुद्ध के जीवन से ली गई है। एक बार एक युवक ने बुद्ध के पास आकर पूछा, भगवान मुझे आत्मा की शांति कैसे प्राप्त होगी? बुद्ध ने उस युवक को एक छोटे से पात्र में पानी भरकर दिया और कहा, जब तुम पानी को चुगोगे तब मुझसे फिर मिलो। युवक ने आश्चर्य से उस पात्र में पानी को चुगते हुए बुद्ध के पास वापस आ गया, लेकिन उसे शांति की कोई अनुभूति नहीं हुई। फिर बुद्ध ने कहा, ज्यादा दबाओ। फिर उस युवक ने उस पात्र में जोर से पानी को चुगा, परंतु फिर भी उसे शांति का अनुभव नहीं हुआ। बुद्ध ने उसे फिर एक और बार आश्वासन दिया, अब आराम से और ध्यान से पानी को चुगो। युवक ने उसे और ध्यान से चुगते हुए देखा और फिर उसे अपने अंदर शांति की अनुभूति होने लगी। बुद्ध ने कहा, जैसे ये पानी तुम्हारे अंदर जाता है और तुम्हें उसकी अहमियत को समझने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा की शांति को प्राप्त करने के लिए भी तुम्हें ध्यान और समय की आवश्यकता होती है। ध्यान और समय से ही तुम आत्मा की शांति को अनुभव कर सकते हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की शांति को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, समय और समझ की आवश्यकता होती है। यह शांति हमें सिर्फ बाहरी वस्तुओं में नहीं मिलती, बल्कि हमें अपने अंदर की खोज करनी होती है। जब वह युवक बुद्ध से यह कहानी सुन रहा था तो उसने पूछा, लेकिन भगवान अगर ध्यान में ज्यादा विचलित हो जाए तो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ध्यान में ज्यादा विचलित होना सामान्य है, परंतु यदि ध्यान को स्थिर रखने के लिए तुम अपने मन को संयमित करते हो और नियंत्रित करते हो तो तुम उसे पुनः ध्यान में ला सकते हो। उसके बाद बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था जो अपने खेतों के लिए पानी की खोज में बारिश के समय अक्सर निकल जाता था। एक दिन वह अपने खेतों में बारिश के बाद जा रहा था तो उसने एक गहरा खाई में गिर गया। उसकी संघर्ष करते समय वह एक बहुत ही गहरे सिरे के नीचे पहुंच गया। वहां पर उसने एक चमकती पत्थर को पाया। जब उसने उसे उठाया तो उसमें एक सुंदर मूर्ति की खोज की गई। किसान ने उस मूर्ति को बाहर निकाला और उसे अपने घर ले गया। वहां उसने उस मूर्ति को अपने श्रीनिवासन में स्थापित किया। इससे पहले वह किसान ने कभी मंदिर में पूजा नहीं की थी, लेकिन उसके बाद से वह रोज मंदिर में जाकर पूजा करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने अंदर की खोज करने से हमें वह मूर्ति मिल जाती है जो हमारी जीवन में संजीवनी ला सकती है। ध्यान, संयम और समझ से हम अपने अंदर की गहराई में जा सकते हैं और वह शांति, सुख और समृद्धि का स्रोत हो सकते हैं। बुद्ध ने और एक कहानी सुनाई। एक बार एक सिकंदर नामक युवक बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने उसे एक ही शब्द में उत्तर दिया, ध्यान। सिकंदर को यह उत्तर समझ में नहीं आया, इसलिए उसने पुनः पूछा, लेकिन ध्यान क्या है? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, एक और कहानी सुनो। एक गांव में एक बड़ी सी झील थी। झील के किनारे पर एक बड़ा वृक्ष था। एक दिन वहां कुछ युवक आए और वृक्ष के नीचे बैठे। एक युवक ने पूछा, यहाँ कितने पेड़ पौधे हैं? एक और युवक ने उत्तर दिया, इतने कि तुम उन्हें गिन नहीं सकोगे। तीसरा युवक बोला, ठीक है, लेकिन कितने पेड़ और पौधे उठाने हैं? बुद्ध ने उसे ध्यान करने के लिए कहा, ध्यान के साथ तुम देख पाओगे कि वास्तव में कोई अलग अलग पेड़ और पौधे नहीं है, सब एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान से हम अपने चित्त को स्थिर करके आत्मा की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की सच्चाई को जान सकते हैं और सभी प्राणियों में एकता को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने फिर कहा, ध्यान की और एक उत्तम कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला। उसने बहुत सीधी साधी सड़कों को चला, लेकिन अचानक एक अनजान रास्ता लिया जो उसे अजनबी क्षेत्र में ले गया। उस अजनबी क्षेत्र में वह एक शिव मंदिर के पास पहुंचा। शिव मंदिर के अंदर एक साधु थे जो ध्यान में लिप्त थे। शिकारी ने ध्यान करते हुए साधु को देखा और उससे पूछा, भगवान मुझे आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? साधु ने शांति की कीमत समझाते हुए कहा,
यदि तुम मुझसे कुछ दे सकते हो तो मुझे उसकी एक बूंद चाहिए। शिकारी ने अपना बैग खोला और उसमें से थोड़ा पानी निकालकर उसकी एक बूंद दी। साधु ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अब उस जल को लाकर मुझसे उसकी अगली बूंद के लिए मिलो। शिकारी को यह समझ में नहीं आया। वह उस स्थान के सभी झीलों और नदियों में जाकर जल को लेकर वापस आया, लेकिन वह साधु को उसकी दर्शनीय बूंद कैसे दे सकता था। फिर उसने समझा कि साधु चाहते थे कि वह जल को अन्य जगहों से लाकर साधु के पास लाए। उसका मतलब था कि जैसे ही हम अपने अंदर की शांति को पहचानते हैं, हमें उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। शिकारी ने उस दिन से अपने जीवन को बदल दिया और उसने अपने अंदर की शांति को साझा करने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने अंदर की शांति को पाने के बाद हमें उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि हम सभी में शांति और सहयोग का वातावरण बने। एक और कहानी है जो आत्मा की शांति के प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करती है। एक बार एक बुद्धिमान राजा अपने राज्य में एक बड़ा मंदिर बनवा रहा था। उसने लोगों को इस मंदिर में आत्मा की शांति के लिए ध्यान करने का उपदेश दिया। मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें पानी की बहुत शांत तस्वीर थी। वहां पर एक दिन एक युवक आया और उसने अपने आत्मा की खोज में वहां का सुंदर वातावरण देखा। युवक ने मंदिर के पास खड़े एक पुजारी से पूछा, पंडित जी, मैंने सुना है कि यहां आत्मा की शांति प्राप्त की जा सकती है, कृपया मुझे इसका रास्ता बताएं। पंडित जी ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, आत्मा की शांति को प्राप्त करने का तरीका बहुत ही सरल है। तुम तालाब के किनारे बैठो और अपने आत्मा के गहराई में ध्यान लगाओ। युवक ने धन्यवाद कहकर तालाब के किनारे बैठ गया। वह गहरी ध्यानावस्था में चला गया और कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में शांति की अद्वितीय अनुभूति हो रही है। ध्यान में लिप्त होकर उसने आसमान की ओर देखा और अपने अंदर की गहराई में जा पहुंचा। वहां उसने अपने स्वार्थ और माया के बंधनों को छोड़ दिया और सच्ची आत्मिक शांति का अनुभव किया। उसके बाद युवक ने समझा कि आत्मा की शांति का सच्चा रास्ता उसके अंदर ही है। वह ध्यान से जुड़े रहे और अपनी जीवन में स्थिरता और शांति को अनुभव करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की शांति को प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी विशेषज्ञों की खोज में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर की खोज में जाना चाहिए। ध्यान और समाधि के माध्यम से हम अपने आत्मा की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग के गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।